अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए सुरती सम भिन्नार्थक शब्द है ना, सुरती सम भिन्नार्थक, सुरती मतलब सुनना है ना, सुरती सम माने सुनने में क्या होता है समान लगता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है अलग होता है, अलग अलग होता है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं सुरती सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे मान लीजिए बारिश का अर्थ माने सुनने में जो शब्द होता है सुनने में एक समान लगता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है अलग होता है। जैसे बारिश का अर्थ वर्षा होता है, बारिश का अर्थ क्या वर्षा होता है, और वारिश का अर्थ होता उत्तराधिकारी होता है। जैसे बारिश और वारिस दोनों का एक जैसे सुनने में लगता है लेकिन क्या होता है दोनों का अर्थ क्या होता है अलग होता है। एक बारिश वो में आ की मात्रा है, रो में हर्षी मात्रा तालबेश्य, वो क्या हो जाएगा बारिश का मतलब हो गया वर्षा, और वो में आ की मात्रा रो में हर्षय की मात्रा अदंतिश्य, वो क्या हो जाएगा उसका मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, जैसे तरणी का अर्थ होता है नाव, तरणी का अर्थ हो गया नाव है ना, और तरुणी का अर्थ हो गया युति। ठीक है, इस तरह से क्या होता है सुनने में तो समान लगते हैं, जैसे बारिश अतरणी अतरुणी दोनों सुनने में क्या लगते हैं एकदम समान सा लगते हैं लेकिन क्या होते हैं इनके अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ निकलता हो है ना। श्रुति मतलब सुनना, सब मतलब एक समान, और भिन्नार्थक मतलब अलग अलग है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है ना। अब देखिए सुरति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं परंतु जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें सुरति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं है ना, उन्हें सुरति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे शब्द जो सुनने में क्या समान लगते हैं परंतु जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें सुरती सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए सुरती सम भिन्नार्थक शब्द, जैसे हम लोग बोलते हैं आदि, ओ में आ की मात्रा द में हर्षय की मात्रा, और ओ में आ की मात्रा द में दीर्घय की मात्रा, सुनने में क्या दोनों समान है लेकिन मात्रा का अलग है, द में हर्षय की मात्रा है और द में दीर्घय की मात्रा है, तो आदि का मतलब इसमें हर्षय की मात्रा है उसका हो जाए आरंभ या पहला, और आदि द में दीर्घय की मात्रा उसमें क्या होता है अभ्यस्त आदि है ना। अच्छा, जैसे इसमें होता है बात और वात, बात मतलब क्या हो गया कथन या वचन, बात वो में आ की मात्रा इसमें पिट कटा था, अब वात वो में आ की मात्रा इसमें हो जाएगा वायु या गठिया रोग। ठीक है, अब जैसे नियत नौ में हर्षय की मात्रा नी यत, और नौ में दीर्घय की मात्रा यत, नौ में हर्षय की मात्रा यह तो मैं क्या हो जाएगा निश्चित नियत समय पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं निश्चित समय पर आप पहुंच जाएंगे, और नियत नौ में दीर्घय की मात्रा है ना, उसमें क्या हो जाएगा नियत में इरादा है ना, क्या इरादा तुम्हारा कैसा नियत है ना, इस तरह से ये नियत तो ये हो जाता है। अब देखिए जैसे ग्रह और गृह, ग्रह का मतलब क्या हो गया नक्षत्र है ना, ग्रह का मतलब नक्षत्र आदि, और गृह मतलब घर। अब जैसे कुल क में हर्षव की मात्रा कु अल, तो क्या हो जाएगा खानदान, कुल का मतलब क्या हो गया खानदान, और कुल क में दीर्घ ऊ की मात्रा लो, कुल मतलब किनारा है ना। अब दिन द में हर्षय की मात्रा दी न, द में हर्षय की मात्रा दी न दिन, और द में दीर्घी की मात्रा दी अ न, देखिए दोनों में क्या अंतर है मात्रा का, द में हर्षय की मात्रा दिन, दिन मतलब क्या हो जाएगा वार या दिवस जिस बोलते हैं रविवार सोमवार है ना, वार दिवस, और दिन द में दीर्घ की मात्रा न, दिन मतलब गरीब या असहाय, ये होता है सुरती सम भिन्नार्थक, माने सुन के एक लगता है दिन लेकिन क्या होता है मात्रा पे उसका होता है द में हर्षय की मात्रा दी, मतलब मात्रा के हिसाब से उसका क्या होता है अर्थ अलग हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सुरती सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए जैसे पाश को में आ की मात्रा तालबेश्य, पास और पास को में आ की मात्रा दंतिश्य है ना, पास तालबेश्य में क्या हो जाएगा बंधन, पास मतलब बंधन, और दंतिश्य में क्या हो जाएगा नजदीक, पास बोलते हैं ना पास नजदीक, मेरा घर पास है ना, इस तरह से। अब देखिए सूत सौ में हर्षव की मात्रा तो, सूत मतलब क्या हो गया बेटा, और सौ में दीर्घ ऊ की मात्रा तो, सूत मतलब धागा, दोनों में क्या अंतर है
है ना।